नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं जो आप अगर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप हमेशा मंगाते ही हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल कोल्हापुरी। ये बहुत ही आसान डिश है बनाने के लिए और बहुत सारी सब्जियां आप इसमें डाल सकते हैं और बहुत ही इसे टेस्टी बना सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे और भी वीडियोस देखिए और मेरे चैनल, मेरे YouTube चैनल अमेरिकन दीदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वेज कोल्हापुरी इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें 4 स्टेप्स में काम करना पड़ेगा, 4 स्टेप्स में। हम पहले ये जो हमारे वेजिटेबल्स हैं जो ग्रेवी में जाएंगे इनको सॉटे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप रहेगा कोल्हापुरी जो हमारी ग्रेवी है उसे बनाना। तीसरा रहेगा जो हमारा बेस ग्रेवी है टोमेटो और कैशू नट का, उसका बनाना। और फिर चौथा रहेगा इन सबको असेंबल करना और एकजुट करना। तो पहले स्टेप के लिए जो आपको चाहिए इंग्रेडिएंट्स वो कुछ इस प्रकार है। ये करीबन 100 ग्राम फूल गोभी है जिनको मैंने बारीक ऐसे काट के, मीडियम काट के इनको करीबन 1 घंटे के लिए नमक के पानी में डुबो के रखा है और फिर धो के यहाँ पे अभी मैंने रखा है। ये करीबन 4-5 बेबी कैरेट्स है जिनको हमने बारीक ऐसे डाइस किया है। ये एक कटोरी यानी कि करीबन 50 ग्राम फ्रेंच बीन्स है, इनको मैंने उबाल के एक सीटी निकाल के यहाँ पे रखा है क्योंकि ये इनको थोड़ा टाइम लगता है पकने के लिए। ये करीबन 1 बड़ा शिमला मिर्च है जिसके बीज निकाल के मैंने इनको अभी ऐसे मीडियम काट के रखा है। ये 1 कटोरी हरा मटर है, ये फ्रोजन था तो इसको मैंने सिर्फ पानी में से निकाल के यहाँ पे रखा है। अगर आपके पास फ्रेश पीस है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसका कुकिंग टाइम थोड़ा 10-15 मिनट बढ़ सकता है। ये 1 मीडियम प्याज है जिसको मैंने ऐसे थोड़ा बड़ा काटा काट के यहाँ पे रखा है। और ये 1 उबाला हुआ आलू है जिसको यहाँ पे बारीक बारीक टुकड़ों में काट के रखा है। यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है, नॉनस्टिक पैन, जिसमें करीबन 2 टेबलस्पून तेल लिया है और मीडियम फ्लेम पे गैस चालू है। तो ये गर्म होते ही हम इन सभी वेजिटेबल्स को एक एक करके सॉटे करेंगे। तो अब हमारा ये तवा गर्म हो गया है नॉनस्टिक और ये हम इसमें इसमें फूल को भी मिला लिया है और इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। अब आप देख सकते हैं कि इन फूल गोभी को थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गए हैं, अच्छे से सौते हो गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ। अब मैंने फूल गोभी को बाजू में कर लिया है और इस पैन में फिर से 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और जो हमारे और जो फ्रेंच बीन है इनको हम हाई फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। ये आप देख सकते हैं करीबन 3-4 मिनट मैंने इनको सौते कर लिया है। जो हमारे हरे मटर थे, फ्रेंच बीन्स और जो हमारा गाजर था, बेबी कैरेट, इसको भी सौते हो कर लिया है और अब मैं इसको इनको बाजू में कर रही हूँ।
अब मैंने पैन में फिर से 2 टेबलस्पून तेल लिया है और इसमें शिमला मिर्च और जो हमारा प्याज था इसे 2-3 मिनट के लिए सौते करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे शिमला मिर्च और जो हमारा प्याज है वो हल्के से सौते हो गया है, इनको लाइट ब्राउन कलर भी आ गया है, तो इनको हम अभी बाजू के प्लेट में निकाल रहे हैं और फिर जो हमारा बचा हुआ आलू है उसे सौते करेंगे और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अब मैंने फिर से पैन में करीबन 1 टेबलस्पून तेल लिया है और इसमें जो हमारा बॉयल्ड ये पोटैटो है इसे हम हल्के से 1-2 मिनट के लिए सौते करेंगे। अब ये हमारा पोटैटो सौते हो गया है और मैं इनको भी बाजू में कर रही हूँ और फिर आगे का जो हमारा कोल्हापुरी ग्रेवी है उसे हम बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं जो भी वेजिटेबल्स हमने सौते किए थे यहाँ पे मैंने एक बर्तन में रख दिए हैं और अभी हम ग्रेवी का इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। वेज कोल्हापुरी ग्रेवी जो हमारी है उसके उसको बनाने के लिए जो साहित्य की ज़रूरत है वो कुछ इस प्रकार है। ये करीबन आधी कटोरी मैंने ये ग्रेटेड ड्राई कोकोनट लिया है, सूखा नारियल ये करीबन 50 ग्राम होगा, ये 1 बड़ा टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये हमारे जो स्पाइसेस है ये करीबन 20 मैंने काली मिर्च ली है, 10 जो हमारी लौंग है वो है और ये 5 से 6 इलायची ली है, ये 1 टीस्पून मैंने फेनल सीड्स लिए हैं यानी कि जो हमारी परिशेष रहती है सौफ रहता है वो है, ये 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून अखा जीरा है और करीबन 4 से 5 ये लाल मिर्च है। तो यहाँ पे गैस पे एक मैंने नॉनस्टिक पैन रखा है और इसमें जो हमारा इसमें मैंने करीबन 2 टेबलस्पून तेल लिया है और इसमें मैं अब ये हमारी लाल मिर्च और जीरा है उसको मिला रही हूँ। ये गरम होते ही हम बाकी के जो हमारे मसाले हैं उनको मिलाएंगे। फ्लेम आप मीडियम पे रख दीजिए। अब मैं इसमें जो हमारे इलायची काली मिर्च और लौंग है उनको मिला रही हूँ। अब मैंने इसमें हमारा जो सौंफ है वो मिलाया है, जो हमारा धनिया पाउडर है उसे मिलाया है और ये जो हमारा ड्राई कोकोनट है ग्रेटेड कोकोनट उसे हम इसे मिलाएंगे और फिर एंड में जो हमारी कश्मीरी चिली पाउडर है उसे मिलाएंगे और इसे सौते करेंगे जब तक ये हमारा ड्राई कोकोनट जो है ये लाइट ब्राउन हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो ग्रेवी का मिक्सचर है कोल्हापुरी ग्रेवी का मिक्सचर ये अच्छे से भून गया है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और इसको मिक्सर में लगाएंगे। अब जो हमारा मिक्सचर था मैंने मिक्सर में ले लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, इससे ये अच्छे से ग्राइंड होता है और करीबन 50 ml पानी डालूंगी और फिर इसको मिक्सर में मिला लूंगी। ये हमारी वेज कोल्हापुरी ग्रेवी तैयार है जो हमारा बेस है। अब हम जो हमारा टोमेटो और कैश्यू नट का बेस है उसे तैयार करते हैं।
टोमेटो और कैशू नट की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने करीबन यहाँ पे 10 टोमेटो लिए हैं मीडियम साइज़ के, और ये 12 मैंने कैशू नट्स लिए हैं। इनको मैंने करीबन आधा घंटे तक भिगो के रखा है। अब मैं इन टोमेटो को बारीक चीर के ये कैशू नट्स मिलाऊंगी उसमें, और फिर उसका एक मिक्सर लगा लूँगी। ये आप देख सकते हैं कि टोमेटो को मैंने बारीक काट लिया है और जो कैशू नट है उसको इसमें मिला लिया है। अब मैं इसका एक मिक्सर लगाऊंगी। ये मैंने अब ये मिक्सर लगा लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कलर आया है टोमेटो और कैशू नट की ग्रेवी का। तो चलिए, अभी हमारा वेजिटेबल सॉटे हो करके हो गया है, हमारा जो वेज कोल्हापुरी बेस था ग्रेवी का वो हो गया है, और ये टोमेटो और कैशू नट का भी बेस हो गया है। तो चलिए अब पूरा ये असेंबल करते हैं और एक अच्छी सी रेसिपी बनाते हैं। अब जो हमारी फाइनल ग्रेवी बनने वाली है वेज कोल्हापुरी, उसके लिए जिस सामग्री की ज़रूरत है वो कुछ इस प्रकार है। ये करीबन 1 टेबल स्पून जीरा है, ये 2 मैंने तेज पत्ता लिया है, ये 2 बड़े प्याज है जिनको बारीक काट के रखा है, ये जिंजर गार्लिक और चिल्ली का पेस्ट है करीबन 1 इंच जिंजर, 4 पंखुड़ियाँ लहसुन की, और करीबन 4 से 5 हरे मिर्च को मैंने बारीक पीस के लिया है मिक्सर में। ये हमारी 2 जो ग्रेवी थी वो तैयार है, ये टोमेटो और कैशू नट की ग्रेवी है, और ये जो हमारी बेस है वेज कोल्हापुरी का ये है। अब मैंने यहाँ पे एक पतीला रखा है और इसमें करीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप तेल ले सकते हैं, और तेल गरम होते ही इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। और जो हमारा जीरा है उसे मिलाएंगे। और जो हमारा ये तेज पत्ता है उसे भी इसमें डालेंगे। थोड़ा सा स्टर करेंगे। और जो हमारा ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है उसे इसमें डालेंगे। जिंजर गार्लिक और चिल्ली का पेस्ट। इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे, और फिर जो हमारा प्याज है उसे इसमें भून के लेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसमें जो हमारे 2 बड़े प्याज थे उनको डालेंगे, और ये लाइट ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको भूनेंगे। अब हमारे प्याज अच्छे से भून गए हैं, और अब हम इसमें जो हमारा ये कोल्हापुरी ग्रेवी का बेस है उसे मिलाएंगे। और इसे करीबन 5 से 8 मिनट तक पकाएंगे। अब हमने जो हमारी कोल्हापुरी ग्रेवी की बेस थी उसे करीबन 8-10 मिनट पका लिया है, और इसमें हम जो हमारा टोमेटो और कैशू नट का बेस है वो मिला रहे हैं।
अब हम जो बाकी के मसाले हैं वो उसमें मिलाएंगे। ये करीबन चिमटी भर हल्दी है और ये भी एक बड़ा टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर। मैं अब इसे करीबन 8 से 10 मिनट पकाऊंगी और फिर इसमें हम जो हमारे सॉटे किए हुए वेजिटेबल्स हैं उसे मिलाएंगे और फिर फाइनल गार्निशिंग करेंगे। मैं अभी बीच में थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और इसे फिर से उबाल आने के लिए रख रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी को अच्छे से उबाला आ गया है और हमने इसका सॉल्ट टेस्टिंग भी कर लिया है। तो अब हमारे जो सॉटेड वेजिटेबल्स थे उन्हें इसमें मैं मिला रही हूँ। अब धीरे धीरे से सब मिलाते जाइए। ये देखिए हमने सब वेजिटेबल्स थे उनको इसमें मिला लिया है ग्रेवी में और अब मैं इनको थोड़ा सिमर होने के लिए रखूंगी करीबन 8 से 10 मिनट और फिर हम इसको प्लेट करेंगे। ये 15 मिनट हो गए हैं और हमारा ये जो वेज कोल्हापुरी है ये एकदम अच्छे से तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ी ऐसी ग्रेवी बनी है और इसमें वेजिटेबल्स भी दिख रहे हैं। तो मैं अब इन्हें प्लेट करती हूँ। हमारी वेज कोल्हापुरी रेसिपी अब तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने इसे प्लेट किया है चावल के साथ। आप इसे धनिया और टोमेटो और नींबू के साथ गार्निश कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ रेसिपी शेयर कीजिए। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। आप मैंने जैसे सर्व किया वैसे चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल मेरे YouTube चैनल अमेरिकन दीदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।